आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने अपने फेसबुक पेज को डिलीट कर दिया था और अब आप लोग चाहते हो उस पेज को फिर से रीएक्टिवेट करना बस लाना तो कैसे आप लोग उसको रिएक्टिवेट कर सकते हो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल तरीका है बस आप लोग इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा देखना आपको जो है सब कुछ समझ में आ, आ जाएगा और आप लोग अपने पेज को वापस से रिएक्टिवेट कर सकते हो तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आपको अपने फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है तो आप पर मैं जो है फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ तो आपको भी अपने फेसबुक अकाउंट को यहाँ पर जो है ओपन कर लेना है फेसबुक को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है क्या करना पड़ेगा यहाँ पर आपको जो है राइट साइड में आपको यहाँ पर जो है थ्री लाइन दिखाई देंगी कुछ इस तरह से तो आपको जो है थ्री लाइन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो यहाँ पर मैं जो है क्लिक कर देता हूँ अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आएगा अब आपको यहाँ पर दोस्तों क्या करना है यहाँ पर आपको जो है राइट साइड में यहाँ पर आपको एक छोटा सा सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा तो आपको जो है सेटिंग पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आएगा अब आप दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा ऊपर करना है इसको जैसे आप लोग इसको ऊपर करोगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन दिखाई देगा मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक्सेस एंड कंट्रोल का तो आपको जो है एक्सेस एंड कंट्रोल पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आएगा यहाँ पर आपके सामने जो है दो ऑप्शन आएंगे पहला है डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन का और दूसरा है रिएक्टिवेशन का तो आपको जो है रिएक्टिवेशन पर आपको, आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो पर मैं क्लिक कर देता हूँ अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो है डिलीट हुआ पेज आ जाएगा जो भी पेज आपने डिलीट किया था वो पेज यहाँ पर जो है आ जाएगा जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मैंने मेरा पेज डिलीट किया था इस्माइल प्लीज तो वो पेज यहाँ पर जो है मेरा आ चुका है अब दोस्तों इस तरह से आपके भी आपने जितने भी पेज यहाँ पर डिलीट किए होंगे वो सारे पेज यहाँ पर जो है आ जाएंगे अब आप लोग यहाँ से अपने पेज को आराम से जो है रिएक्टिवेट कर सकते हो वापस से उसको रिकवर कर सकते हो लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन है कंडीशन क्या है कि आप लोग यहाँ पर तीस दिन के अंदर ही अपने फेसबुक पेज को यहाँ पर जो है रिएक्टिवेट कर सकते हो अगर आपने आपके फेसबुक पेज को डिलीट हुए तीस दिन से का टाइम हो चुका है तब आपका फेसबुक पेज यहाँ पर जो है नहीं आएगा मतलब कि अगर आपने जो है आपके फेसबुक पेज को डिलीट हुए तीस दिन से ज्यादा का टाइम हो चुका है तब तो आपका जो है फेसबुक पेज रिएक्टिवेट नहीं होगा लेकिन अगर आपका फेसबुक पेज को डिलीट हुए तीस दिन से कम का टाइम हुआ मतलब तीस दिन तक आप लोग अपने फेसबुक पेज को रिएक्टिवेट कर सकते हो रिएक्टिवेट करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली से कुछ नहीं करना बस आपको यहाँ पर दिख रहा है रिएक्टिवेट का ऑप्शन तो आपको जो है बस रिएक्टिवेट पर आपको क्लिक कर देना है तो आपका फेसबुक पेज यहाँ पर जो है रिएक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पर जो मैंने रिएएक्टिवेट पर क्लिक कर दिया तो मेरा फेसबुक पेज यहाँ पर जो है रिएएक्टिवेट हो चुका है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो तो इस तरह से दोस्तों आप लोग भी अपने फेसबुक पेज को यहाँ पर जो है रिएएक्टिविवेट कर सकते हो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ यहाँ लो पर लोगों पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो स्माइल प्लीज मतलब मेरा फेसबुक पेज यहाँ पर जो है ओपन हो चुका है तो इस तरह से दोस्तों आप लोग भी अपने डिलीट हुए फेसबुक पेज को रिकवर कर सकते हो रिएटक्टिवेट कर सकते हो उसको वापस ला सकते हो तो आज किस वीडियो में पता ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत